गाइस और ये है मेरा चैनल अहमद ब्रांड। और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब आपने ऐसे करना है कि सबसे पहले इस बटन को प्रेस करना है, सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन पे प्रेस कर देना है, ऑन कर देना नोटिफिकेशन। क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे तो मेरी सारी जो वीडियो नेक्स्ट आएंगी तो वो सारी आपको मिलेंगी सबसे पहले, तो आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले आप देखना और एंजॉय करना वीडियो को मेरी, हर वीडियो को एंजॉय करना हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप नए हैं तो अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अगर नए नहीं आए तो थैंक यू जैसा जो आपने सब्सक्राइब किया हुआ मेरे चैनल पहले से। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए चैनल को वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलें तो हाय गाइस, क्या हाल है आप सबका, और उम्मीद है आप सारे ठीक होंगे। और आज की वीडियो का टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि हम कैसे अपनी मेमोरी को रैम में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ रहें और एक सेकंड भी मिस ना करना इस वीडियो का। अगर एक सेकंड भी आप मिस कर देते हैं इस वीडियो का तो आपकी मेमोरी रैम में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। इसके लिए सॉरी कह दे सकता हूँ अगर आपने 1 सेकंड के लिए भी वीडियो मिस की। तो अगर आप नहीं करेंगे सेकंड एक भी मिस तो फिर आप मेमोरी को रैम में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत ईजी की तरह। और वेलकम टू माई चैनल अहमद ब्रांड, और मेरा नाम अहमद, आप देख रहे हैं अहमद ब्रांड चैनल। और मेरा नाम अहमद और मेरा नाम है आपको इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियोज़ पहुँचाना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये मेमोरी रैम कन्वर्टर है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी रैम को 10 से 20, अपने रैम को 4 से 8 GB तक आप अपने रैम को आप कर सकते हैं। और 2 अगर आपका GB मोबाइल है तो आपने 2 रैम को आप कर सकते हैं, 4 रैम कर सकते हैं, और 4 रैम अगर 8 रैम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने मेमोरी को अपने रैम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अगर आप पबजी मोबाइल के लवर हैं और फोर्टनाइट वगैरह फ्री फायर वगैरह खेलते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपके इस वीडियो के बाद तो मोबाइल तो क्या आपका पबजी का जो गेम प्ले होता है वो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आपकी मेमोरी रैम अच्छी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक ऐप कर लेनी है मेमोरी टू रैम कन्वर्टर। आपको ये गूगल में जाके आपने सर्च करना है मेमोरी टू रैम कन्वर्टर, उधर आ जाएगा। तो आपने सबसे पहले इसको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपने इंटरफेस में क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर मेमोरी टू रैम, आपने इसको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपने इसका साइज 2048 होगा, तो आपने इसको साइज कर देना है 6028, ये आपने साइज कर देना और ये फुल कर देना आपने, और साथ में आपने यस पे प्रेस कर देना। और ये प्रोसेस जो है डाउनलोड इन प्रोसेस प्रोग्रेस लिखा रहे, तो अभी देखें एडिट फाइल्स कर रहा है वो, तो हम थोड़ा सा वक्त लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीट हो गया। और ये रैम क्रिएटिविटी रनिंग इन बैकग्राउंड, और रैम हमारी क्रिएट हो गई है और ये हमारी ऑन हो गया है। चलिए आप बैक आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं ऊपर ये इसका बार आ गया है, मैं आपको पॉइंट करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसका ये वाली आ गया, इसका मार्क आ गया। अब इसका अभी हमारी ऐप स्टार्ट हो गई है मेमोरी में टू रैम कन्वर्टर। तो चलें अगर देखें अब आप ये ऐप करके, और इसमें ये जो मैंने सेटिंग्स बताई ये करेंगे तो आगे पबजी फ्री फायर फोर्टनाइट वगैरह सारी गेमें ऐसी चलेंगी ना कि आपने अपनी जिंदगी पूरी ज़िंदगी में ऐसी कोई गेम प्ले नहीं देखी होगी, और गेम प्ले आप इतनी फास्ट चलेगी ना, और बिल्कुल इंटरनेट वगैरह पिंग वगैरह कुछ नज़र नहीं, कुछ भी नहीं होगा, आपका पिंग का मसला ही नहीं होगा, पिंग का मसला ही खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो नीचे कमेंट करें कैसी वीडियो लगी हो, और अगर ऐसी और वीडियो आपको चाहिए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो देख आऊँ सबसे पहले आपको मिल पाए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ओके बाय, और अगली मुझे जरूर बताना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में किस बारे में बनाऊँ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।